कोतवाली थाना क्षेत्र के टेकरी पर चाट पकौड़ी के स्टॉल पर रखे गैस सिलेंडर में सुबह 10:30 बजे अचानक आग लग गई। आगजनी में 3 लोग पिता पुत्र और पत्नी घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह टेकरी पर समोसे बनाने के स्टॉल पर चाट का सामान तैयार हो रहा था, उसी दौरान सिलेंडर की लेजम लीक हो गई और उसने आग पकड़ ली। मौके पर काम कर रहे सोहन मित्तल, प्रिंस मित्तल, विमला मित्तल गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर घटना में सोहन लगभग 40%, प्रिंस लगभग 20% और विमला मित्तल 80% झुलस गई है। गंभीर हालत के चलते विमला को ग्वालियर रेफर किया गया है। बॉबी गोयल, घटना में भाई साहब ये हुआ कि सिलेंडर में लोजन निकल गई उसकी और हैवी प्रेशर के कारण आग लग गई। सिलेंडर ठीक है, उनकी स्टॉल है, मतलब ठेला लगता है जो उनका, उसके बगल में ही सिलेंडर रखा था, बगल में बड़ी जल रही थी चाट की। कौन कौन घायल है? 3 लोग घायल हैं, प्रिंस मित्तल, सोन मित्तल और विमला मित्तल। जी घटना 10:30 की। कौन? नहीं, कोई मौजूद नहीं था उस टाइम, माल बनाया जा रहा था।